भाई बहनों, आजादी का ये दिन कई मायनों में अहम है। सबसे अहम इसलिए है कि आने वाला साल आजादी का 75वां साल है। इस अमृत महोत्सव में हम विभिन्न समारोहों में आयोजन करेंगे, लेकिन हमें पूरा साल पिछली उपलब्धियों पर गर्व करने में ही नहीं बिताना, बल्कि इसमें यह भी तय करना है कि 2.5 दशक बाद जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो तब देश कैसा होगा। आज पूरा संसार श्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत में ऐतिहासिक बदलावों का साक्षी है। हमें गर्व है कि स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने महामारी के दौरान दूसरे देशों की मदद कर संसार को हमारी विश्व बंधुत्व की भावना का कायल किया है। आबादी की दृष्टि से दुनिया के दूसरे बड़े देशों की जनता को मुफ्त, पूरे देश की जनता को मुफ्त वैक्सीन लगाने का हमने साहसिक निर्णय लिया है। नई राष्ट्रीय नीति आई जिसमें 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का पावन मंदिर बन रहा है। हाल ही में राज्यों को ओबीसी जातियों में अपनी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A हटाना, सर्जिकल व एयर स्ट्राइक, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा को से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, इस समय हरियाणा प्रदेश में भी तेजी से बदलाव और विकास हो रहा है। हमने व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए हम नित नए मील के पत्थर स्थापित कर रहे हैं। हमने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया और इस वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सुशासन और व्यवस्था के जरिए हम लोगों में ये विश्वास पैदा करने में सफल हुए हैं कि सरकार उनकी है और वे भी सरकार में हैं। सुशासन से सेवा और भ्रष्टाचार पर रोक के लिए ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का जो अभियान हमने चलाया था वह आज परिवार पहचान पत्र तक पहुंच गया है। इस एक ही दस्तावेज के माध्यम से सब सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ घर द्वार पर ही मिलेगा। लोगों को कार्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको पेंशन के लिए भी नहीं भटकना होगा। उम्र होगी, पेंशन आ जाएगी। आपको योजनाओं के लिए इधर उधर नहीं जाना होगा। जिस योजना के लिए आप पात्र होंगे वह अपने आप आपको मिल जाएगी। कहने और सुनने में ये सपने जैसा जरूर लग सकता है, पर हम इसे साकार करके दिखाएंगे। भ्रष्टाचार की बात करें तो आप जानते ही हैं कि CLU का दूसरा नाम भ्रष्टाचार था। इसके खेल को हमने पूरी तरह ऑनलाइन करके बंद कर दिया है। सरकारी नौकरियों को हमने चुनौती के रूप में मिशन मेरिट में बदला और योग्यता के आधार पर 85,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं। हमने कर्मचारियों का तबादला ऑनलाइन कर तबादला उद्योग पर ताला लगा दिया है। हाल ही में हमने आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार कर्मचारियों की सब समस्याओं के निपटान के लिए मानव संसाधन विभाग इसको बनाने की सुर्खी दी है। हमने कर्मचारियों की HCS और IAS पदों पर पदोन्नति को पारदर्शी बनाने के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है। हमने गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफों, सब्सिडी में चल रहे गोरख धंधों का IT का प्रयोग करके सफाया किया है। सरकारी खजाने में नागरिकों को सहायता देने वाली सैकड़ों स्कीमों को DBT से जोड़ा और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाया गया है। जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किए जाने विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों आदि के अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने शुरू किए। जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए वेब हेल्प्रेस पूरे प्रदेश में लागू की गई है। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन शुद्धि के तहत DTO के पद बनाए हैं। खनन ठेकों में ई नीलामी और ई रवन्ना स्कीम से पारदर्शिता लाई गई है। व्यवस्था परिवर्तन की इस प्रक्रिया में हमने सरकार कम से कम
सुशासन अधिकतम के भाव को मूल में रखते हुए सरकारी लाभ देने में मानवीय हस्तक्षेप को कम किया है। हमने ऐसी नीतियां बनाई कि समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसे सरकार की मदद अथवा राहत न मिल रही हो। हमने किसान की आय दुगनी करने के लिए ठोस कदम उठाए, मजदूर की आय बढ़ाने के साथ पेंशन की व्यवस्था भी की, व्यापारी को भी बीमा प्रदान किया, अनुकूल नीतियां बनाकर निवेश को आकर्षित किया, कर्मचारी व उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा दी, महिलाओं को सुरक्षा और शिक्षा व रोजगार द्वारा सशक्तिकरण प्रदान किया, युवाओं को कौशल व योग्यता आधार पर नौकरी दी है, वृद्धों को सम्मान पेंशन व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की, विवादों के समाधान के माध्यम से हर उस नागरिक को राहत दी जिसका कोई भी मामला किसी भी कारण से सरकारी स्तर पर लटका अथवा फंसा हुआ था। किसी भी संकट के समय हर नागरिक की समय पर मदद के लिए डायल 112 सेवा शुरू की, गरीबों को हर योजना व सेवा में प्राथमिकता प्रदान की। भाइयों बहनों, अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार सबसे पहले उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो सबसे गरीब हैं। हमने ऐसे परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है। इसके तहत पहले 1,00,000 परिवारों की मदद की जाएगी। अब तक 50,000 लगभग परिवारों की पहचान कर ली गई है। हमने गरीबी में हरियाणा में गरीबी रेखा की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए तक की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिले। ऐसे परिवारों को 6,000 रुपया मासिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना चलाई जा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत 5,00,000 रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। प्रदेश में सभी कोरोना मरीजों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। बीपीएल परिवार के व्यक्ति की महामारी से मृत्यु होने पर उसे 2,00,000 रुपए की राशि का एक्स ग्रेशिय अनुदान अथवा जीवन बीमा के तहत प्रावधान किया गया है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहे लगभग 7,000 मरीजों को भी 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। COVID-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रति बच्चा 2,500 रुपए मासिक मदद दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 अप्रैल 2021 से 2,500 रुपए मासिक की गई है। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फॉर लौटेंगे।